अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 4 ए ऑफ चैप्टर नंबर 4 ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द साइज ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 3x डिग्री, 4x डिग्री एंड 5x डिग्री, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अगर तीन एंगल हमें गिवन है, यानी कि साइज गिवन है, तीन एंगल जो है ट्राई एंगल के, तो हमने उसमें से छोटा एंगल फाइंड करना है। लेकिन ये हमें वेरिएबल की फॉर्म की शेप में, यानी कि इसमें देखें, अगर हम इसका कोफिशिएंट देखते हैं तो थ्री छोटा है, थ्री छोटा, थ्री फोर और फाइव, इन सब में से थ्री छोटा, यानी ये वाला एंगल जो छोटा होगा। लेकिन हमें एक्स फाइंड करना है, अननोन है इसमें एक्स, तो सबसे पहले एक्स अननोन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो इसकी वैल्यू लगा के इसमें पुट करेंगे, यानी 3x में, यानी स्मॉलेस्ट एंगल में। तो हमारे पास जो है अननोन, जिस जो हमें चीज़ रिक्वायर है स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल, वह हम फाइंड कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो हमें पता है किसी भी ट्राई एंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री का होता है, एस वी नाउ एंगल सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ आर ट्राई एंगल इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। सो 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो देखें 3x और 4x 7x, 7x और 5x कितना हो जाएगा 12x। तो 180 डिग्री, इधर आप रीजन भी ब्रैकेट में ये चीज़ जो लिख सकते थे, ये वाली चीज़ इधर, तो 12 इधर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हम 180 को डिवाइड करते हैं 12 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 15 डिग्री। ठीक है, एक्स डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 आ गई। ठीक है, तो ये हमें हमने क्यों फाइंड की, क्योंकि हमें हमने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। सो नाउ रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राई एंगल इज इक्वल टू 3x डिग्री, 3x की जगह क्या आ जाएगा 15, और 15 3 का कितना होता है 45। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल जो कि ट्राई एंगल का होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर जो है 5 एक्सरसाइज 4 ए का वो कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।